इस सबक में हम इस्तलाहात शेर में मतला पढ़ेंगे। मतला के लुगवी मानी हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी निकलने या तलू होने की जगह के हैं, और ग्रामर की रूह से ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। इस्तलाही मानी, गज़ल या नज़म का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों मतला कहलाता है। मसलन शामिल निसाब मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर जिस सर को गुरूर आज है या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का। ये शेर मतला की मिसाल है क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हैं, दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हैं। मतला की शराइत, मतला की दो शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि यह गज़ल या नज़म का पहला शेर हो, और दूसरी शर्त यह है कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। नोट, मतला को गज़ल का नकीब भी कहते हैं, या मतला का दूसरा नाम गज़ल का नकीब भी है। और अगर गज़ल या नज़म के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ ना हों तो वो शेर मतला नहीं बल्कि पहला शेर कहलाता है, उसे फिर मतला नहीं कह सकते। मसलन खिताब जवानान इस्लाम नज़म का पहला शेर, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, ये मतला नहीं है बल्कि पहला शेर कहलाएगा क्योंकि इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ नहीं हैं। मतला एहसानी, अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफिया व हम रदीफ हो तो उसे मतला एहसानी कहते हैं, और अगर गज़ल का तीसरा शेर भी हम काफिया व हम रदीफ हो तो उसे मतला एसालिस, और अगर चौथा शेर भी हम काफिया व हम रदीफ हो तो उसे हुस्ने मतला कहा जाता है। मतला के ज़िमन में जो बोर्ड में अहम सवालात पूछे जाते हैं वो भी नोट कर लीजिए। मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, मतला की कितनी शराइत हैं, मतला की कौन कौन सी शराइत हैं, गज़ल का नकीब किसे कहते हैं, मतला का लुगवी मफहूम आपसे पूछा जा सकता है। इस्तिलाही मफहूम इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक डेफिनेशन, एक तारीफ़ लिखी होगी, वो पूछेंगे कि ये इस्तिलाहात शेर में से किस इस्तिलाह की तारीफ़ है, मतला एहसानी से क्या मुराद है, मतला एहसालिस से क्या मुराद है, हुस्न मतला से क्या मुराद है, पहला शेर किसे कहते हैं, और अशार दिए गए होंगे या एक शेर होगा तो वो पूछा जाएगा कि ये मतला की मिसाल है, मक्ता की, काफिया की, रदीफ़ की, या कुछ भी, या पहला शेर की, आखिरी शेर की वो मिसाल पूछी जा सकती है। मतला ग्रामर की रूह से क्या है, तो प्रैक्टिस के लिए आप शामिल निसाब मंजूमात और गज़लियात में से मतला और पहले शेर की निशानदेही कीजिए, आपको उसूल बता दिए गए हैं।